साहित्य लहर में आपका स्वागत है। आज आप सुनेंगे शिवानी जी की कहानी श्राप। आइए कहानी सुनते हैं। आरंभ में ही स्पष्ट कर दूं, यह कहानी नहीं है। कल मैंने उसे सपने में ना देखा होता तो शायद मेरी लेखनी गतिशील भी ना होती। हठात कल रात वह चुपचाप आकर मेरे पाए ताने बैठ गई थी, उसी वधु वेश में जिसमें उसे आज से 10 वर्ष पूर्व इसी फ्लैट में देखा था। ना उसने कुछ कहा, ना हिली, ना डुली। फिर अपनी दोनों मेहंदी लगी गोरी हथेलियां मेरे सामने फैलाकर वह फीके से हंस दी। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी। सपना टूट गया, किंतु सपने का आतंक नहीं गया। 10 वर्ष पूर्व भी मैं इसी फ्लैट में रहती थी। नीचे के फ्लैट की गृह स्वामिनी एक दिन अचानक मेरे पास एक छोटी सी याचना लेकर उपस्थित हुई। उनकी बड़ी बहन एवं भगिनी पति अपनी पुत्री का विवाह करने उनके फ्लैट में आ रहे थे। क्या मैं उन्हें कुछ दिनों के लिए अपने 2 कमरे दे सकूंगी? वैसे अपने एकाकी जीवन में मुझे किसी प्रकार का व्यवधान अच्छा नहीं लगता, किंतु प्रतिवेशियों के प्रति सामाजिक कर्तव्य बोध ने साथ साथ किसी भी कन्या के विवाह में यह सामान्य सा योगदान देने की बलवती इच्छा ने स्वयं मेरी सुविधा असुविधा को पीछे ढकेल दिया। मैंने स्वीकृति दे दी। विवाह तिथि आसन्न थी। इसी से देखते ही देखते अतिथियों की भीड़ जुटने लगी। मुझे 2 अत्यंत निरीह शांत अतिथियों की मेजबानी निभानी थी, कन्या के सौम्य पिता एवं वृद्ध पितामह। बड़े संकोच से दोनों ही ने कृतज्ञतापूर्वक मेरा आभार प्रदर्शन किया। क्षमा कीजिएगा, आप ही को कष्ट देना पड़ा, पर हम आपको कोई भी कष्ट नहीं होने देंगे, केवल रात सोने के लिए आएंगे। और सचमुच ही मुझे यह पता नहीं लगा कि मेरे यहाँ सर्वथा अपरिचित अतिथि आए हैं। उनके रहने से मुझे रंच मात्र भी असुविधा नहीं हुई। यही नहीं, उनके जलपान भोजन चाय के साथ साथ मेरे लिए भी थाल लगकर आने लगा। शामियाना लग गया था। दरियों पर 20 दर्जन बच्चे नए नए कपड़े पहनकर गुलाटी खाने लगे थे। हलवाई ने चूल्हे का विधिवत पूजन कर कड़ाही चढ़ा दी थी। मैली बनियान को छाती पर चढ़ा उन्नत उधर खुजालता हुआ हष्टपुष्ट हलवाई बम गोले से बूंदी के लड्डू और ढाल सी मटरिया बनाता रहा। बड़े से टोकरे में रख रहा था कि सहसा शोर मचा। अशर्फी देवी जल गई। मैंने भागकर बरामदे से झांका कि देखू कौन जल गया। हलवाई बड़बड़ा रहा था, सब हरामखोर है। अब देखिए भाई साहब, 2 मिनट के लिए इन्हें कढ़ाई सौंप कर सुरती खेनी खाने गया कि जलाकर राख कर दी। फिर उसने एक जली स्याह मटरी को निकालकर पास खड़े कारीगर को डांटा, अब खड़ा मुंह क्या ताक रहा है, जरा सी राख ला तो कोयले पर डाल, आंच मंदी करूं। कौन अशर्फी देवी जली कृष्णा? मैं अपना कोतूहल रोक नहीं पाई और मैंने गृह स्वामिनी से पूछ लिया। अरे मट्ठी जल गई, उसने हंसकर कहा। हमारे यहाँ लड़की के ससुराल को ऐसे 125 लड्डू और 51 मठरियाँ भेजी जाती है। हर मठरी पर घर की बड़ी बूढ़ियों का नाम लिखा जाता है। अशर्फी देवी बिट्टी की होने वाली ददिया सास है, उन्हीं की नाम लिखी मट्ठी जल गई। मुझे हंसी आ गई। अपने पीछे खड़े कन्या के पिता को मैं देख नहीं पाई थी। अब देखिए ना, वे खिसियाए स्वर में बोले, कैसे बेकार के रिवाज हैं, पर हम हैं कि इन्हें मनाए जा रहे हैं, पर मजबूरी है, ना करे तो सोचेंगे हम पैसा बचा रहे हैं। कन्या के पितामह सारा दिन ही सड़क पर टहलते रहते। मैंने एक दिन देखा, इधर उधर देखकर उन्होंने एक ठेले वाले को रोककर 4 केले खरीदे और जल्दी जल्दी खा गए। घर का आंगन तो मिष्ठान पकवानों की सुगंध से सुवासित हो रहा था, फिर ये बेचारे भूखे कैसे रह गए? कन्या के पिता को नीचे जाने में जरा भी विलंब होता तो नीचे से कर्कश स्वर में कन्या की माँ अधैर्य से पुकारने लगती, सोते ही रहोगे क्या? अमीना बाग से रजाई का बक्सा कौन लाएगा, मेरा बाप? मैं स्तब्ध रह गई थी, यह जानकर भी कि पति एक सर्वथा अपरिचित गृह का अतिथि है और मेजबान भी बरामदे में खड़ी है, ऐसी अश्लील भाषा का प्रयोग। असल में अचानक ही विवाह तिथि निश्चिंत हुई। उस पर वर पक्ष का आग्रह था कि हम लखनऊ आकर ही विवाह करें। इसी से बेचारी कुछ घबरा गई है। उस पर हाई ब्लड प्रेशर, आप अन्यथा ना ले। कन्या के विवाह में किस माँ का पारा नहीं चढ़ता।
कान पत्नी पति पर नहीं बरसती, मैंने भी 3-3 कन्यादान किए हैं। आश्वस्त होकर वे चले गए। हद है, 100 बार कह चुकी हूँ कि बैंक से रेजगारी लानी है, नए नोट लाने हैं। अरे आखिर कब नोट आएंगे और कब उनकी माला बनेगी? पर कोई सुने तब ना, ना अभी तक हलवाई को बायना दिया गया है, पत्तलों का इंतजाम नहीं हुआ। आखिर आप कर क्या रहे थे अब तक? जितना ही कर्कश स्वर पत्नी का था, उतनी ही कोमल स्वर पति का था। गुनगुना कर न जाने क्या कहते कि उत्तर सुन ही नहीं पाती। रविंद्रनाथ ने नारी के 2 रूपों का वैशिष्ट्य बताया है, जननी या प्रिया। मेरी धारणा है कि पुरुष के भी 2 ही रूप है, स्वामी या सेवक। बेचारे मेरे अतिथि दूसरी श्रेणी में आते थे, लगता था उनका अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है। उस दबंग स्वर की गरियसी स्वामिनी को देखने का कौतूहल ही मुझे वहां खींच ले गया। उनके दीर्घागी मेद बहुल शरीर को देखकर मुझे लगा कि उस व्यक्तित्व के चेकटे में वह रौबीला कंठ स्वर एकदम ठीक ही बिठाया है विधाता ने। आपने बड़ी कृपा की, कन्या की माँ ने बड़े आदर से मुझे बिठाया। वहां तो हमारी इतनी बड़ी कोठी है कि 100 मेहमान भी आ जाए तो पता ना लगे, पर लड़के वालों की जिद थी कि हम यहीं आकर शादी करें। हरी दिव्या क्या कर रही है यहाँ आकर, देख कौन आया है। फिर मेरी ओर देख वे हंसकर बोली, अजी आपकी किताबों के पीछे तो यह दीवानी है, एक कहानी नहीं छोड़ती। बेचारी तब क्या जानती थी कि एक दिन उसे भी मेरी कहानी नहीं छोड़ेगी। एक गोरी दुबली पतली किशोरी लज्जावंता मेरे सम्मुख खड़ी थी। चेहरे पर वही अद्भुत लुनाई आ गई थी जो विवाह तिथि निश्चिंत होने पर साधारण नए नक्श वाले चेहरे को भी असाधारण बना देती है। जिसने भी उसका नाम रखा था वह निश्चय ही साहित्य रसिक रहा होगा, मेरा अनुमान ठीक था। एक बार सुमित्रा नंदन पंत जी हमारे आए थे, तब यह 3 साल की थी। हम इसे टुया कहकर पुकारते थे। बोले, यह अभी भला कोई नाम है, दिव्या कहकर पुकारो। बस तभी से यह दिव्या हो गई। यह तो अभी बहुत छोटी है, आप अभी से इसकी शादी किए दे रहे हैं, मैंने कहा। अजी छोटी काहे की, 18वीं में पड़ेगी, देखने की है बजर बोनी, इसकी उम्र में तो हमारी 2 बेटियां हो गई थी। उसी दिन दिव्या के पिता ने मुझे बताया कि उनकी भी इच्छा अभी दिव्या का विवाह करने की नहीं थी, पर लड़का अच्छा मिल गया, उनकी इस साली ने ही यह रिश्ता पक्का किया था। आप तो जानती है हम लोगों में अच्छे लड़के के लिए अच्छी खासी रकम देनी पड़ती है। दुर्भाग्य से हम कन्याकुब्ज ब्राह्मण हैं, हमारे यहाँ एक प्रकार से रेट बंधे हैं। IAS लड़का हो तो 1.25 लाख, IPS हो तो 1 लाख, इंजीनियर हो तो 80,000, और फिर साधारण नौकरी वाले के लिए कम से कम 20,000, उस पर दहेज अलग। डॉक्टर लड़के तो कंधे पर हाथ नहीं धरने देते, यानी जैसा दाम खर्च कर सको वैसी ही चीज लो। कभी कभी तो सोचता हूँ बहन जी, बिहार में जो कन्या के पिता सुपात्रों का अपहरण कर जबरन दामाद बना रहे हैं, उसमें भी उनकी मजबूरी ही रहती होगी। तो आपको इस रिश्ते में भी रकम भरनी होगी, मैंने पूछा। और नहीं तो क्या, पर ये लोग शरीफ है, इन्हें लड़की पसंद है, कहा है कुछ नहीं मांगेंगे, हम अपनी बिटिया को जो देना चाहे दे दें। बड़े गर्वजन संतोष से उनका शांत चेहरा दमक उठा। बेचारे शायद इस कटु सत्य से अनभिज्ञ थे कि मुंह से कुछ ना मांगने वाले ही कभी कभी मुंह खोलकर सब कुछ मांगने वालों से अधिक खतरनाक होते हैं। लड़का चार्टर्ड अकाउंटेंट था, अपनी 2-2 कोठियां थी, बड़ा भाई पुलिस का ऊंचा अफसर था, छोटा डॉक्टर। जैसे जैसे विवाह तिथि निकट आ रही थी छोटे से फ्लैट में रौनक की गहमा गहमी बढ़ती जा रही थी। कभी ठेले से सोफा सेट पलंगों का जोड़ा उतारा जा रहा था, कभी स्टील की अलमारी और फ्रिज, उधर घराती के बीसियों नखरे, कोई ठंडाई की फरमाइश कर रहा था, कोई लस्सी की, आंगन में पड़े कुर्सियों के स्तूप का शिखर मेरे फ्लैट की सरहद से सट गया था। बच्चों की चैचे पैपे, स्त्रियों का कलरव, संध्या होते ही और भी घनीभूत हो उठता। उधर कन्या के ताऊ ताई बुलंद शहर से अचानक उस समय आ टपके थे जब उनके आने की आशा त्याग दी गई थी। कभी कभी नीचे चल रहे 2 बहनों के वार्तालाप का स्वर
बड़े दुस्साहस से मेरे कमरे की दीवारों को भेद कर चला आता। स्पष्ट था कि कन्या की जननी एवं ताई के संबंध बहुत सुविधाजनक नहीं थे। अरे आज तक कोई जेठानी देवरानी का सुख देख सुखी हुई है जो हमारी महारानी होगी, कन्या की माँ एक दिन कह रही थी। बोलेगी तो लगेगा शहद घोल रही है, पर बस चले तो हमारा कलेजा निकाल चबाए डारे। मैं सोचती हूँ नारी स्वभाव की जितनी अभिज्ञता विवाह आदि अनुष्ठानों में बटोरी जा सकती है, उतनी शायद जीवन भर इधर उधर विभिन्न ग्रहों के अंतरंग कक्षों में झाक झुक कर नहीं बटोरी जा सकती। मैं देख रही थी जहाँ आमोद प्रमोद खिलाने पिलाने नाचने गाने की भूमिका सजाई जाती, झट से मुंह लटकाकर कन्या की ताई छट की मुंडेर पकड़ लेती, ऐसे खड़ी हो जाती जैसे वह किसी अपरिचित परिवार की भूल से न्योती गई अतिथि हो। कोई भी देखकर बता सकता था कि ग्रह की वह साज सज्जा, बिजली की जगमगाहट, कन्या के चढ़ावे में आने वाले गहनों का सुना सुनाया लेखा जोखा ताई की छाती पर 20 विषधारों को लौटा रहा था। उधर कन्या की माँ कमर में आंचल खोसे विवाह के कार्य क्षेत्र में अकेली डटी थी, कभी पति पर चिंगारती, कभी हलवाई पर, और संध्या होते ही ढोलक लेकर बैठ जाती। यही नहीं, एक बार नाचने को कहा जाए तो चट घुंघरू बांध ऐसा थिरकी कि क्या कोई बाईजी नाचेगी। विवाह का एक ही दिन रह गया था, अचानक मेरे लिए नीचे से बुलावा आ गया। मैं जल्दी नीचे चली आऊं, वर पक्ष के अतिथि दहेज सामग्री का अवलोकन करने आ रहे हैं। यह भी उनके यहाँ की एक विशिष्ट अनिवार्यता थी। देखकर यदि कुछ फेरबदल करना हो तो कन्या के पिता को वही करना होगा। मैं नीचे गई और करीने से सजे विभिन्न उपकरणों को देखती ही रह गई। कौन सी ऐसी वस्तु थी जो बेचारे मेरे ही पिता ने नहीं जोड़ी हो? साड़ियों का स्तूप, टेलीविजन, फ्रिज, इस्त्री, बर्तन, रेशमी रजाइयाँ, लट्ठे मलमल के थान, गैस का चूल्हा, सिलेंडर, बिजली के पंखे आदि। इतने में ही अचानक स्त्रियों की भीड़ में भगदड़ मच गई। आ गए कहती कन्या की माँ सिर पर आंचल खींच द्वारपाल की मुद्रा में सतर्क खड़ी हो गई। कहाँ गई वह तेज स्वर, मुख मुद्रा और थानेदार का सा वह रौबीला कंठस्वर? वह है नीली कमीज वाला। अरे नहीं, वह तो छोटा भाई है। तब कौन? अजी वह है चेचकरू दाग वाला। हाय राम, यह तो दो बच्चों का बाप लग रहा है। विभिन्न फुसफुसाहट के सूत्र से मैंने भी दूल्हे को पहचान लिया। तब क्या सचमुच ही इसी अंधे के हाथ बटेर लगी थी? कहाँ दिव्या और कहाँ यह? किसी मांसहीन कंकाल को ही जैसे किसी ने पहना उड़ाकर भेज दिया था। हाथ में छड़ी लिए पगड़ी बांधे ससुर ऐसे चल रहे थे जैसे कोई राजप्रमुख प्रजा के बीच से गुजर रहा हो। देखिए समधी जी, साड़ियों के स्तूप की ओर वर के पिता ने छड़ी घुमाई। हमारे घर की रुचि जरा सोफियानी है, वे ये सब तड़क भड़क की बनारसी कभी नहीं पहनेंगे। ये सब हटवाकर कांजीवरम और चंदेरी गढ़वाल रखवा दे, यही फरमाइश मेरी लड़कियों की भी है। छड़ी से उन्होंने साड़ियों को ऐसे उथल पुथल दिया जैसे कोई स्वास्थ्य निरीक्षक सड़क की पटरी पर सड़ी गली सब्जी या खुले कटे तरबूज का ठेला उलट देता है। मुझे बहुत बुरा लगा। यह भी कोई तरीका है? कन्या पक्ष के इतने अतिथियों के सामने कन्या के पिता का ऐसा अपमान अलग ले जाकर भी तो कहा जा सकता है। कन्या के पिता अंत तक हाथ जोड़े ऐसी व्यर्थ कृतज्ञ मुस्कान बिखेरते रहे जैसे कह रहे हो, आपकी जूती मेरा सर। चलते चलते सहसा वर के पिता मुड़े। हमने तो आपसे कह ही दिया है, हम कुछ नहीं लेंगे। द्वार चार में हमारा और हमारे अतिथियों का स्वागत ठीक ठाक रहे, बस इसी का ध्यान रखिएगा। बस इसी आदेश के गुणार्थ को बेचारा कन्या का पिता ग्रहण नहीं कर पाया। स्वागत तो अच्छा ही किया, अतिथियों के कंठ में अजगर से प्रथुर फूलों के हार भी पड़े, गुलाब जल का छिड़काव भी हुआ, वर के लिए कहीं से मर्सिडीज भी मंगवाकर फूलों से भरपूर सजाई गई। आमिष निर्मिष व्यंजने, विदेशी सूरा के क्रेट के क्रेट, क्या नहीं किया बेचारे ने। लड़की की विदा होने लगी तो माँ
और मौसी को रोते रोते गश आ गया। पर पिता हाथ बांधे समधी के सामने ऐसे खड़े हो गए जैसे दीनहीन चौबदार हो। एक ही रात में उनका दमकता चेहरा स्याह पड़ गया था। आप लोगों के स्वागत में कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। समधी की आंखों से अभी तक रात की खुमारी नहीं उतरी थी। काले चेहरे पर आरक्त आंखें इंजन की अग्नि स्तूप सी चमक रही थी। एक ही आनंद को दशानंद की अहंकार मुद्रा में हिलाते हुए वे बोले, क्या त्रुटि रह गई है? यह भला हम अपने मुंह से क्या कहें? हम तो आपके मेहमान हैं। पर हाँ, यह जो 500 आपने द्वार चार में रखे हैं, यह लीजिए। इन्हें आप हमारी ओर से नाई, धोबी, मेहरी और सालियों को बांट दें। अपमान से कन्या के पिता का चेहरा स्याह पड़ गया। मैं वहीं खड़ी थी। एक क्षण को उस निरीह व्यक्ति का अपमान स्वयं मेरा अपमान बन गया था। जी में आया नोटों की गड्डी जैसे वर के पिता बरबस उसके हाथों में ठूस रहे थे, छीनकर उन्हीं के मुंह पर दे मारूं। पर मुझे किसी के व्यक्तिगत कार्य क्षेत्र में कूदने का अधिकार भी क्या था? रात को वे नित्य की भांति चुपचाप अपने कमरे का ताला खोलते रहे कि फोन की घंटी बजी तो मैं सुनने आई। उन्होंने निरीह दृष्टि से मुझे देखा और सिर झुका दिया। चलिए, सब कुछ निर्विघ्न संपन्न हो गया, आपको बधाई भी नहीं दे पाई। वे एक पल को चुप खड़े रहे, फिर रुंधे गले से बोले, आप तो सब सुन रही थी, कैसे विचित्र लोग हैं। पहले स्वयं कहा कि कुछ नहीं लेंगे, केवल कन्या के हाथ पीले कर सौंप दें, अब चलते चलते पैतरा बदल लिया। मुंह खोलकर कहते तो हम उनकी मांग पूरी कर देते, अब दिव्या की चिंता लगी रहेगी, भोली है। आज पिताजी ने वह सब नाटक देखा तो नाराज होकर कानपुर लौट गए। बोले, कसाई को गाय थमाना हमने नहीं सीखा, तुम और बहू ही यह लेन देन निभाते रहो, हम चले। आप चिंता ना करें, सब ठीक हो जाएगा। ऐसी सुंदर लड़की है आपकी, गुण रूप देखकर अपनी सब मांगे भूल जाएंगे। अब कभी कभी सोचती हूँ, नारी होकर भी मैं उन्हें एक नारी के प्रति हो रहे अन्याय का विरोध करने को क्यों नहीं उकसा पाई, क्यों नहीं कह सकी, जो सगाई में ही ऐसा नीच स्वभाव का परिचय दे रहे हैं उसे क्यों अपनी कन्या सौंप रहे हैं आप? अभी क्या बिगड़ा है, तोड़ दीजिए यह सगाई। विवाह हुआ था और बड़ी धूमधाम से हुआ था। इसी से थकान उतारने में भी कन्या पक्ष को 3-4 दिन लगे। फिर अचानक एक दिन कन्या के पिता मुझसे विदा लेने आए। उस दिन साली के यहाँ से डेरा डंडा उखाड़ वह प्रवासी परिवार चला गया। मैं उन्हें पहुँचाने बाहर तक जाकर लौट रही थी कि देखा उनकी दीवार पर दो दुबली पतली हल्दी सनी हथेलियों की छाप बनी है। हमारे यहाँ ससुराल जाने से पहले लड़की यही छाप मायके की दीवार पर लगा जाती है, दिव्या की मौसी ने कहा। मन ना जाने कैसा हो गया, क्या पुत्री का यह स्मृति चिन्ह सदा अम्लान रह पाएगा? धीरे धीरे प्रत्येक वर्ष की पुताई के साथ साथ वह छाप धुंधली पड़ती जाएगी, रेखा मात्र रह जाएगी। दिव्या के मौसा की बदली हुई, वहां दूसरा परिवार आ गया। उन्होंने दिवाली पर डिस्टेंपर करवाया और पूरे फ्लैट का नक्शा ही बदल गया। एक दिन दिव्या की मौसी मिल गई। दिव्या कैसी है, मैंने पूछा। उस मासूम चेहरे को मैं भला कैसे भूल पाती। वह अब कहाँ है, एक लंबा सांस खींचकर उन्होंने कहा। क्या, विवाह के 4 ही महीने बाद गैस पर खाना बना रही थी, नायलॉन की साड़ी पहनी थी, आंचल में आग लगी, मिनटों में झुलस गई, दूसरे ही दिन खत्म हो गई। भारी मन से मैं घर लौटी, पर क्या सचमुच ही उसका आंचल अनजाने में आग पकड़ बैठा था? उसकी विदा के क्षण उसके ससुर का उग्र कंठ स्वर फिर कानों में गूंज उठा, क्या त्रुटि रह गई है, यह भला हम क्या बताएंगे। उसी त्रुटि को बताने तो कहीं उस दशानंद ने उस फूल सी सुकुमारी लड़की की हल्दी लगी हथेलियों की छाप सदा सदा के लिए मायके की दीवार से नहीं मिटा दी। पर ऐसा कुछ हुआ होता तो उसकी मौसी कुछ तो बताती, पर जो मौसी नहीं कह पाई वह स्वयं उसकी माँ आकर बता गई। किसी वकील की राय लेने लखनऊ आई थी, मुझसे मिलने भी चली आई।
मुझे देखते ही रोने लगी। आपके ऑटोग्राफ लेगी, कहती रही, शादी के भगदड़ में भूल गई। मार डाला कसाईयों ने, मैं भी नहीं छोड़ूंगी। मेरी कोख बलबला रही है बहन। खबर पाते ही मैं अस्पताल भागी। लड़की तड़प रही थी। बहन ने कहा, जीजी तुम मत जाओ, देखा नहीं जा रहा। पर मैंने उसे धकेल दिया। उफ, मेरी सोने की छड़ी जलकर कोयला बन गई थी। थोड़ा थोड़ा होश था। मैंने पूछा, बेटी कैसे हुआ यह? बोली, अम्मा हुआ नहीं, किया गया। बस आंखें पलट दी। ना वहां उस बयान का साक्षी था, ना नर्स, ना डॉक्टर। हाँ, एक साक्षी थी, स्वयं मेरी सगी बहन। वह मुकर गई। मैंने चीख चीख कर कहा, मेरी बेटी जली नहीं, उसे जलाया गया है, मुझसे स्वयं कह रही है। पर मेरी ही सगी बहन ने मेरा मुंह दबा दिया। क्या कह रही हो जीजी, दिव्या खाना बनाने में जली है, उसे किसी ने नहीं जलाया। तू झूठी है, तेरे पति भी पुलिस के अफसर है और दिव्या का जेठ भी। तुम्हारी बिरादरी हमेशा अपने पेशेवर को ही बचाती है। तूने ही यह रिश्ता इन कसाईयों से पक्का किया था। पर बहन, मेरी सगी बहन ही मुझसे नाराज होकर घर चली गई। तब से दर दर भटक रही हूँ, कहीं तो न्याय की भीख मिलेगी। हत्यारा अभी भी मूछों पर ताव देता हुआ घूम रहा है। सुना है दूसरी जगह रिश्ते की बात चल रही है। मैं स्तब्ध थी। वह आंखें पोछती उठ गई। इसी से मैं आपके पास आई हूँ, कृष्णा के यहाँ नहीं गई। फोन किया तो बोली, जीजी तुमने पुलिस केस किया तो हम तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। जो हुआ उसे भूल जाओ। भूल जाऊं? 9 महीने जिसे गर्भ में रखा, पाला पोसा, जिस अनजान खूंटे से बांध वही गाय सी जो बंध गई, उसे भूल जाऊं? मैंने भी श्राप दिया है बहन। जैसे उस कसाई ने मेरी बेटी को जलाया है, वैसे ही वह भी तिल तिल कर जले। उनकी आंखों से जैसे आंख की लपटें निकल रही थी। सच्चे हृदय से निकली बद्दुआ कभी व्यर्थ नहीं जाती। वर्षों पूर्व ऐसे ही श्राप को फलीभूत होते मैंने देखा है। अल्मोड़ा के ही एक ऐसे सच्चे ब्राह्मण के श्राप ने क्या तत्कालीन जेलर को रात बीतते ना बीतते चुटकियों में निष्प्राण नहीं कर दिया था। कुमाऊं केसरी बद्री दत्त जी तब स्वतंत्र संग्राम में जेल में बंद थे। क्रूर जेलर के अमानुष्य अत्याचार से क्रुद्ध पांडे जी ने नहा धोकर हाथ में जल लेकर कहा था, अरे दुष्ट, ले मैं कुमाऊं ब्राह्मण तुझे श्राप देता हूँ, जैसे तू हमें मार रहा है भगवान तुझे मारे। और भोर होते ही दिल के दौरे से उस हर्षपुष्ट जेलर को जेल से ही नहीं संसार से हटा दिया था। फिर तो जहाँ पांडे जी जल हाथ में लेते, सुना है कि बड़े से बड़े अफसर उनके चरण पकड़ लेते थे। किंतु अब कहाँ है वह सच्चे ब्राह्मण और कहाँ है वह ब्रह्म तेज? इतने वर्ष बीत गए, फिर दिव्या की माँ मुझे कभी नहीं मिली। पता नहीं उनके दुग्ध हृदय से निकला वह श्राप फलीभूत हुआ या नहीं, किंतु मेरे फ्लैट के नीचे वाली दीवार से हल्दी लगी उन उंगलियों की छाप अब एकदम विलीन हो चुकी है। आप सुन रहे थे शिवानी जी की कहानी श्राप।